केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने आज मालवाहक जलपोत को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दो जहाज मारुति कंपनी की गाड़ियों को लेकर जलमार्ग से कोलकाता के लिए रवाना किए गए। जलपोत राजघाट के पास स्थित अवधूत भगवान राम घाट से कोलकाता के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर गडकरी ने कहा कि वाराणसी में इतिहास बना है, इससे बांग्लादेश तक व्यापार बढ़ेगा। माल ढुलाई के लिए रोड मार्ग से 1.5 तो रेल मार्ग से 1 रुपया लगता है, अब जल मार्ग से 20 पैसे लगेंगे। बता दें, गंगा में जल परिवहन का नरेंद्र मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें एक जहाज 1400 और दूसरा 300 टन का होगा। बड़े जहाज में बिल्डिंग मटेरियल होगा तो छोटे जहाज में मारुति कार होगी। आपको बता दें कि 4200 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत इलाहाबाद से हल्दिया तक जलमार्ग विकसित किया जाना है। वासुदेव गंगा में चलने वाला पहला जहाज है जो 1500 टन का बिल्डिंग मटेरियल लेकर कोलकाता जाएगा। गडकरी ने आगे बताया कि 450 करोड़ से फरक्का में वाटर गेट बनेगा और वाराणसी में एयरपोर्ट जैसा टर्मिनल बनेगा। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 4200 करोड़ पास कर दिए हैं। इससे मछुआरों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत जल परिवहन परियोजना के शुरू हो जाने से 4 राज्यों यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल के बीच व्यापार सुगम होगा। साथ ही व्यापारियों को भी इससे काफी सुविधा होगी। देखते रहिए डीबी लाइव।